नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन रेखाखंडों से घिरे बंद्र आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड ये लिया, एक ये रेखाखंड और एक रेखाखंड ये हुआ। इस प्रकार तीन रेखाखंड से जो घिरा आकृति है इसके अंदर, इसको त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में भुजा, शीर्ष और कोण होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। देखिए, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज जो लिखा हुआ है इसका भी मतलब होता है। जैसे त्रि प्लस भुज, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा। तो ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, और ट्राइंगल इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसका भी मतलब होता है ट्राइंगल, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब थ्री और एंगल का मतलब कोण, मतलब ऐसी आकृति जो जिसमें तीन कोण हो उसे त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो इसमें तीन शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष लिख लेते हैं। तीन शीर्ष, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। तो तीन शीर्ष का मतलब जहां दो भुजाएं, शीर्ष का मतलब होता है जहां ये दो भुजाएं आकर मिलती हैं। तो देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहां पर आके मिली तो यहाँ एक शीर्ष हुआ। इसी प्रकार ये शीर्ष है क्योंकि यहाँ पर एक भुजा आकर मिल रही हैं। इसी प्रकार सी पर भी ये शीर्ष है क्योंकि ये भुजा और ये भुजा, त्रिभुज की ये दो भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए ये शीर्ष सी हुआ। तो लिखेंगे शीर्ष ए, शीर्ष बी एवं शीर्ष सी। इसी प्रकार तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, तो तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए। भुजाओं को साइड बोलते हैं, तो ये साइड्स हो गया, साइड्स ए बी। देखिए, ए बी लिखा हुआ है, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। और फिर ये दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए, तीन भुजाएं हो गई। फिर तीन कोण देखते हैं, तीन कोण, ठीक ना, कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, थ्री एंगल। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये रहा एक कोण ये और एक कोण ये, तीन कोण होते हैं। तो इस कोण को अगर लिखना हो तो लिखेंगे कोण बी ए सी, ठीक ना, या सी ए बी बोल सकते हैं। तो सी ए बी, देखिए जिस कोण को लिखना हो ये हमेशा यहाँ पर बीच में होना चाहिए, ठीक ना। फिर बी ए सी लिखिए या सी ए बी लिखिए, फिर या तो जिस कोण को लिख रहे हैं उसको सिंपल कोण ए लिखते हैं, ठीक ना, एक कोण का चिन्ह होता है। ये हमने एक कोण को लिख लिया, इसी प्रकार बाकी दो कोण को भी लिखते हैं। अगर इस बी कोण को लिखना हो ए बी सी, एंगल बी ए बी सी या सी बी ए या कोण बी लिख सकते हैं, ठीक ना। इस कोण को भी लिख लिया, इस कोण को लिखते हैं थर्ड कोण। सी को लिखना हो तो बी सी ए या ए सी बी, ठीक ना, तो लिखते हैं बी सी ए या ए सी बी, ए सी बी या सिंपल कोण सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोण के बारे में। अब कोणों का प्रकार देखते हैं। तो कोणों को दो आधार पर विभाजित किया जाता है, एक होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोणों के आधार पर। तो पहले भुजाओं के आधार पर देखते हैं।
देखिए भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के कोण त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल को सिंपल ट्रायंगल त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं, इसको ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में इसका मतलब होता है जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में या एक दूसरे के में आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें इसके ऐसे ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो ये त्रिभुज लिया, देखिए ये सभी भुजा, ये भुजा तीनों भुजा, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं बराबर, ये तीनों भुजाएं बराबर। अगर इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज हो गया। सेकंड देखते हैं, समद्विही बाहु त्रिभुज, ठीक ना, समद्वि बाहु त्रिभुज, मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में या एक दूसरे के में बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक ना। अब ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये भुजा इन लोगों के बराबर नहीं है, ए बी सी, तो इनको लिखेंगे ऐसे, तो इनमें लिखेंगे देखिए ए बी बराबर ए सी, ठीक ना, दो भुजाएं बराबर हैं। और भुजाओं के आधार पर तीसरे प्रकार का त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज, तो उसको भी देखते हैं। थर्ड विषमबाहु त्रिभुज, इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें किसी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा
कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहलाती हैं, कहलाता है। ठीक ना, तो इसका ऐसे आकृति बनेगा, ये देखिए ये रहा, इसमें कोई भुजा, देखिए ये अलग, ये अलग और ये अलग, ठीक ना। तो इसमें ए बी सी, ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण होता है। अब देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो इसमें पहला त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण या तीनों कोण, ठीक ना, जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक ना, 90 डिग्री से कम, ठीक ना। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम, मतलब जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक ना, इसका फिगर फोटो बना लेते हैं, ये रही आकृति इसकी, ऐसे देखिए ए बी सी, इस कोण को नापेंगे तो 90 डिग्री से कम है, इसको नापेंगे तो 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये न्यून कोण हो गया। फिर दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको राइट ट्रायंगल सिंपल बोलते हैं। तो इसमें होता है ऐसा त्रिभुज जिसके जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर, के बराबर, ठीक ना, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर हो, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक ना, इसकी आकृति बनेगी ये ऐसे, ठीक ना, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक ना, ए बी सी, तो इसमें 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और इसी पर आगे तीसरा प्रकार का है अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज थर्ड, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक
ठीक ना, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम। ठीक ना, ये अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। ठीक ना, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। देखिए, जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण बोलते हैं, और जो 180 डिग्री के बराबर होता है उसको ऋजु कोण बोलते हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो भी कोण होगा वो अधिक कोण कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब इनके बीच का हो, तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक ना, ये 90 डिग्री होता है। तो इसका एक आकृति बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह। ये देखिए, ये वाला कोण 120 हो गया। ठीक ना, बाकी ऐसे 90 डिग्री से कम ही है सब। तो ये एक अधिक कोण हो गया। ठीक ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है मगर 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण हो गया। और ये त्रिभुज है तो पूरा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार ये कोणों के आधार पर तीनों प्रकार के कोण का अध्ययन हमने कर लिया। आज हमने त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के और कोणों के आधार पर पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।